शनि हमेशा बुरे प्रभाव नहीं देता, लेकिन अगर यह शुभ भाव में ना हो तो अक्सर इसके दुष्ट परिणाम व्यक्ति को भुगतने पड़ते हैं। लेकिन अपने दंड का पात्र बनाने के लिए पूर्व कुछ संकेत देकर शनिदेव इसकी सूचना आपको पहले दे देते हैं। इसलिए अगर इसे समझकर इसके उपाय कर लें तो अपनी बदकिस्मती से आप बहुत हद तक बच सकते हैं। क्या है इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। शनि का प्रभाव पैरों पर होता है, इसलिए अहानक अगर चप्पल टूटने लगे तो समझें कि शनि का ही दुष्ट प्रभाव है और आने वाले जीवन में आपको एक नहीं कोई समस्या झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा चप्पल का खोना भी आपके भविष्य के लिए बुरा संदेश देता है, इसलिए अगर आपकी चप्पल बार बार खोने लगे या चोरी होने लगे तो यह शनि के कुप्रभाव और भविष्य में आने वाले संकटों का सूचक है। ऐसे में जितना संभव हो शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय जरूर करें। इसमें सबसे प्रभावशाली होता है गरीबों जरूरतमंदों की मदद करना। आप कितने भी शनि को शांत करने के उपाय कर लें, यह उनके सबसे ज्यादा प्रभावशाली और जल्दी प्रभाव दिखने वाला होता है। इसके अलावा शमी और पीपल के पेड़ की नियमित पूजा और संध्या काल में इसके नीचे सरसों तेल का दीपक जलाना भी आपको भविष्य की परेशानियों से बचने में कारगर होगा। शनिवार के दिन किसी पात्र में सरसों का तेल रखकर उसमें अपना मुख देखकर दान करना भी शनि को जल्दी प्रसन्न करता है। अगर नौकरी व्यापार या जिस भी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं अचानक उसमें सब कुछ आपके विपरीत होने लगे तो समझें कि शनिदेव आपसे प्रसन्न नहीं है और निकट भविष्य में आपको कोई ना कोई बुराई परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इसके इन विपरीत परिस्थितियों में कुछ भी हो सकता है, जैसे अचानक जॉब बदलने या छोड़ने की स्थिति आना, नौकरी में कहीं ऐसी जगह ट्रांसफर होना जहां आप बिल्कुल नहीं जाना चाहते, किसी ऐसी अधिकारी या कर्मचारी का आना जो आपको परेशानी का कारण बन रहा है। शनि को न्याय का देवता माना जाता है, इसलिए शनि के कुपित होने के कारण कुछ भी बुरा होने का अर्थ है कि आपके किसी अन्य बुरे कर्म का फल इस प्रकार मिल रहा है। इसलिए अपने कर्मों का विश्लेषण करते हुए शनिदेव से अपनी भूलों गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें और शास्त्रीय उपाय भी करें। शनिदेव के कृपा पात्र आर्थिक रूप से संपन्न भी रहते हैं और आर्थिक नुकसान से भी बचे रहते हैं, इसलिए अगर किसी भी प्रकार से अचानक आर्थिक नुकसान की स्थिति पैदा हो, जैसे व्यापार में घाटा होना, परिवार में किसी का बीमार पड़ना, आकस्मिक दुर्घटना, किसी से धोखा मिलना, चोरी होना आदि, तो समझें आपके जीवन में शनि की बुरी दशाओं का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में आपको बार बार कर्ज लेने की भी जरूरत पड़ेगी और जल्द कर्ज भी चुका पाने की स्थिति में आप नहीं होंगे। परिस्थितियां आपको मानसिक रूप से परेशान करेंगी और इस कारण आप शारीरिक अवस्था से शिकार भी हो सकेंगे। शनि की यही बुरा दशा कुछ ऐसी होती है कि आप अपनी मुश्किलों से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे भी तो उसमें भी परेशानियां ही आएंगी। अगर आप कर्ज चुकाने का प्रयास करेंगे तो वह भी किसी न किसी कारण चुका पाने में सफल नहीं हो सकेंगे। वे कारण कुछ ऐसे होंगे कि आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, अगर यह सब आपके साथ हो रहा है तो आशा ही शनिदेव को प्रसन्न करना शुरू कर दें। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आज हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिए। और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।